जय हिंद दोस्तों, मैं उदय कुमार, आप देख रहे हैं प्रसाद फर्नीचर यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ठीक है, इस वीडियो में मैं दिखलाने वाला हूँ फोल्डिंग टेबल, जो कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे कितना इसका बजट पड़ता है, कितना खर्चा आता है, कितना वेट ले सकता है, कैसे इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब बताने वाला हूँ आपको, कम से कम कहाँ तक बजट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, नीचे एक बार लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो चालू करता हूँ। चलिए हम लोग अपना फिटिंग ओपन करते हैं, जो फिटिंग लाए हैं वो ओपन करते हैं। समझे, तो अपना फिटिंग ओपन हो चुका है, बॉक्स से बाहर है। अपना पहले दरवाजा था, देख रहे हैं अपना बीटीसी पट्टी मारे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंजिस का गला हुआ था, इसलिए उसको ढकना पड़ गया। अपना व्हाइट वाला वो ऊपर रहेगा, ये कलर का जो सामने का है दरवाजा का, ये नीचे जाएगा। देखिए कैसे इसको फिटिंग करते हैं। ठीक है, अभी मैं फिटिंग इसका उल्टा रखा हूँ, इसको ऐसे रखना है, क्योंकि हमको ये साइड का अंदर लेके जाना है, जो पीटीसी पट्टी मारे हैं वो लेके पीछे जाकर जाना है। ठीक है, चलिए आपको दिखलाते हैं इधर कैसा रहा है फिटिंग। हमारा साइड से 2.5 इंची छोड़े हैं, 2.5 इंची छोड़े हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2.5 इंची तो 3 इंची ऐसा छोड़ कर आदमी कस सकता है, कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं है, मैं 2.5 इंची छोड़ा है तो आप भी 2.5 इंची छोड़िएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप 2 भी छोड़ सकते हैं, 2.5 भी छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको दाबने के बाद भी नहीं वो अथी होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का बूस है, उसको खींचने के बाद ही वो गिरेगा। ठीक है, चलिए इधर के भी कस कर दिखलाते हैं आपको। देखिए साइड से 2.5 इंची पीछे की जो जगह है उसको कवर कर लेने का है, पीछे की जगह से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकालने का, बोले तो एक सामने का बोले तो आधा सूता। ठीक है, आधा सूता इसलिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि दीवाल रेती वाला दीवाल रहता है तो उसमें सटता है, इसलिए आधा सूता निकाल कर रखेंगे। अगर रेती की दीवाल नहीं है, POP है, अगर घर में फिटिंग हो रहा है, या हम लोग टेरस पर फिटिंग कर रहे हैं, अगर घर में फिटिंग हो रहा है तो लेवल कसिएगा तभी चलेगा, क्योंकि बराबर दीवार रहता है, रेती की दीवार जहाँ पर रहता है वहाँ पर थोड़ा उबरा खबरा रहता है, इसलिए उसमें सटेगा, इसलिए हम लोग आधा सूता बाहर निकाल के कसते हैं। बहुत लोग ऐसा फिटिंग करते हैं, दीवार में ही पहले ये कस देते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद ऊपर से टेबल कसते हैं। ठीक है, वैसा भी होता है, ऐसा भी होता है, अपना टेबल आखिर उतने पर ही आता है, टेबल का जो रेगुलर साइज रहता है 2.5 फीट उतने पर ही आता है, नीचे भी कसते चाहे ऊपर कसते बात बराबर ही पड़ता है, तो हम लोग पहले नीचे ही कस दीजिए। ठीक है, चलिए इसको बाद ऊपर कस के दिखला देंगे कैसे इसको खोलने का है, कैसे ओपन करने का है। देखिए इसको खींचिएगा, पट से गिर जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे गिरता है, गिर गया। ठीक है, ऐसा ही होता है। उसके बाद आपको टेबल देख लेंगे, देखिए अपना टेबल है, टेबल अभी रखे हैं, ऊपर से मार्किंग करके ये अपना टेबल लग गया। ठीक है, क्योंकि टेबल जैसे कसे हैं वैसे ही इसमें भी होल है, वैसे ही होल डाल के उसमें कस दिए, हेम्बर मार्क अपना कसे है। ठीक है, देख रहे कैसे कसा हुआ, चलिए इसको ओपन करके भी दिखलाऊंगा कैसे फोल्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसका खर्चा बजट कितना आएगा अभी बताने वाला हूँ, वीडियो क्लास तक बने रहिए। ठीक है, देखिए इसको ओपन करिएगा, दोनों को पुश करिएगा तो भी गिरेगा टेबल, बोले तो नीचे आ जाएगा टेबल। ठीक है, देखिए कैसे इसको करते हैं, हम दोनों को खींचेंगे तो आराम से टेबल नीचे चला जाएगा, फिर इसको ऊपर करेंगे टेबल आराम से हो गया। इस पर वेट लगभग 30 kg तक आप डाल सकते हैं, 25-30 kg तक आराम से कुछ भी डाल सकते हैं, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना वेट ले सकता है। ठीक है, चलिए इसको आगे दिखलाते हैं, और हमारा वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका बजट आप लोग लगभग इसका फिटिंग का पड़ता है 1000 रुपये, देखिए पीछे से हम लोग थोड़ा जगह है। ठीक है, इसका फिटिंग का पड़ता है 1000 रुपया, और इसका ब्रैकेट का भी 1000 रुपया आपको पड़ेगा। अपना प्लाई बोर्ड है ये तो कम है, छोटा सा है, आप बड़ा में लेंगे 2x3 का, उसका भी 3000 रुपये पड़ जाएगा, बोले तो 5000 रुपये इसका पड़ेगा टोटल। ठीक है दोस्तों, अगर करवाने का है तो संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब।